नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर हमारी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने आया हूं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। सतयुग के अंदर दक्ष प्रजापति नाम के राजा थे, उनकी 27 बेटियां थी और ये 27 बेटियों की शादी उन्होंने चंद्र ग्रह के साथ करवा दी थी। ये 27 बेटियां यानी कि 27 नक्षत्र, उसमें चौथे नंबर की बेटी थी रोहिणी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। तो आइए देखते हैं, जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म चंद्र की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है और चंद्र की विंशोत्तरी महादशा 10 साल की होती है। रोहिणी नक्षत्र के भगवान है प्रजापति यानी कि ब्रह्मा जी। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो कोई भी शुभ कार्य करने जाए तो सुबह स्नान करने के बाद ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः ये मंत्र का जाप करके सच्चे दिल से ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अगर कार्य करने जाए तो उसे कार्य के अंदर निश्चित सफलता मिलती है। रोहिणी नक्षत्र का आधिपत्य अपने शरीर के अंदर मुंह, जीभ, गर्दन, काकड़ा ये सब चीजों के ऊपर उसका आधिपत्य होता है। रोहिणी नक्षत्र का आकृति कैसा होता है? भूसे वाली गाड़ी, यानी कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रथ के जैसी उसकी आकृति है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृषभ राशि में आ जाते हैं। जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उसके लिए लकी नंबर है 2 और उनका लकी अक्षर है व, वा, वी, वु। ये उनके लकी अक्षर है, यानी कि वो लोग कोई भी कंपनी का नाम रखना चाहते हो, फर्म का नाम रखना चाहते हो, दुकान का नाम रखना चाहते हो तो उसका शुरुआत का अक्षर व, वा, वी, वु रख सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके लिए शुभ दिशा है दक्षिण, यानी कि वो लोग कोई भी अच्छा काम करने जाना जाते हो तो उनको दक्षिण दिशा की तरफ 20 कदम चल के जाना चाहिए और फिर क्लॉकवाइज घूम के अपने कार्य के लिए आगे बढ़े तो उनको उस कार्य के अंदर निश्चित सफलता मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र का शुभ रंग है सफेद और नीला, यानी कि कोई भी अच्छा काम करने जाए, कोई नौकरी का इंटरव्यू देने जाए, कोई अच्छी मीटिंग के लिए जाए, कोई शुभ काम करने जाए तो उनको सफेद या नीले रंग के कपड़े पहन के जाए तो उन्हें लाभदायी साबित होगा। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उनको अपने प्लॉट के अंदर, अपने घर के आंगन में जामुन का झाड़ लगाना अति लाभकारी साबित होता है और कहीं रास्ते में भी जा रहे हैं और जामुन का झाड़ दिख जाए तो उनके लिए शुभ लक्षण होगा। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है ज्यादातर उनकी शादियां 24 या 25 साल में हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उनको कौन सी चीजों में इंटरेस्ट होता है? तो वो लोग एक अच्छे कलाकार होते हैं, एक अच्छे गायक होते हैं, एक अच्छे डांसर होते हैं, एक अच्छे संगीतकार हो सकते हैं। उनको मनोरंजन केंद्र के अंदर बहुत ही जल्दी सफलता मिलती है। एक अच्छे रत्नशास्त्री बन सकते हैं, डेकोरेटर बन सकते हैं, टूर्स और ट्रैवल्स के बिजनेस से उनको फायदा हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग, लग्जरियस आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, खेतीबाड़ी, वनस्पति वैज्ञानिक, ब्यूटी पार्लर ये सब कामों से उन्हें बहुत सफलता मिलती है। जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उन्हें सजना संवरना, ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग ये सब काम से बहुत लाभ होता है। अब हम जानेंगे उनका स्वभाव कैसा होता है। जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाला, तेजस्वी, प्रभावशाली, उन्हें सजना संवरना, घूमना फिरना, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना उनको बहुत अच्छा लगता है। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं और बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, श्रद्धालु, परोपकारी होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवा भावी रहते हैं और अपनों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनकी वाणी बड़ी आकर्षित होती है
और उनके स्त्री मित्र ज्यादा होते हैं, उनको साफ सफाई में बहुत ध्यान देते हैं वो लोग, उनको हर चीज साफ सुथरी चाहिए, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, सत्यवादी होते हैं और शांतिपूर्वक अपने फैसले लेते हैं, बहुत ही धीरजवान, संतुलित मन के होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही सुखी होते हैं, दिल के उदार होते हैं और अपनी सभी जिम्मेदारियों को दिल से और पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो भी स्त्रियां लड़कियां पैदा होती है वो दुबली पतली, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाली, बहुत ही सुंदर, इमोशनल, आज्ञाकारी, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान देने वाली, घूमना फिरना, खाना पीना उनको बहुत अच्छा लगता है, सजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना और बहुत ही रोमांटिक मिजाज की लड़कियां होती है, अपने पति को और अपने बच्चों को बे इंतहा प्यार करती है और उनके प्रति पूरी ईमानदार रहती है। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं उनमें कौन सी कमजोरियां होती है, तो वो लोग आंखें बंद करके दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं और उनके साथ बार बार विश्वासघात होता है, तो उन्हें किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। नंबर दो, उन्हें गला नाक की पीड़ा हो सकती है, यानी कि उनको सर्दी कफ का कोटा ज्यादा होता है, जब भी सीजन चेंज होती है तो उनको वायरल इंफेक्शन हो सकता है, तो उन लोगों को अपना ये बात का बहुत ध्यान देना चाहिए, उनको अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना चाहिए। दूसरा, अगर उनके हिसाब से काम ना हो तो बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, और भी मैं बताना चाहूंगा कि रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है उनकी योनि है सर्प, उनका गण है मनुष्य, उनकी युजा है पूर्व और उनकी नाड़ी है अंत्य। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, दिल के बहुत ही अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर वाले, श्रद्धालु, धार्मिक और दिल के अच्छे व्यक्ति होते हैं। आज मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में काफी डीप नॉलेज दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।